नमस्कार। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री फागु चौहान जी, यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विधानसभा स्पीकर श्री विजय सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, तारकिशोर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को, बिहार निवासियों को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है, बिहार उसे उस प्यार को कई गुना करके लौटाता है। आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है। मैं इस स्नेह के लिए बिहार के जन जन को हृदय से नमन करता हूं। मुख्यमंत्री जी का, स्पीकर महोदय का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे कुछ देर पहले शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण का अवसर भी मिला। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। अब से कुछ देर पहले बिहार विधानसभा म्यूजियम और विधानसभा गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन विकास कार्यों के लिए नीतीश कुमार जी और विजय सिन्हा जी को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विधानसभा परिसर के शताब्दी पार्क में कल्पतरु के रोपण का भी सुखद अनुभव मिला है। कल्पतरु के विषय में मान्यता है कि हमारी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक वृक्ष है। लोकतंत्र में यही भूमिका संसदीय संस्थाओं की होती है। मैं आशा करता हूं कि बिहार विधानसभा अपनी इस भूमिका को इसी निरंतरता के साथ निभाती रहेगी, बिहार और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी। साथियों, बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया।
लोकतंत्र से लेकर समाज जीवन तक समान भागीदारी और समान अधिकार के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ये विधानसभा इसका उदाहरण है। आज जब मैं आपसे इस परिसर में विधानसभा भवन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये भी सोच रहा हूं कि बीते 100 वर्ष में ये भवन, ये परिसर कितने ही महान व्यक्तित्वों की आवाज का साक्षी रहा है। मैं नाम अगर लेने जाऊंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इस इमारत ने इतिहास के रचयिताओं को भी देखा है और खुद भी इतिहास का निर्माण किया है। कहते हैं वाणी की ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक भवन में कही गई बातें, बिहार के उत्थान से जुड़े संकल्प एक ऊर्जा बनकर आज भी उपस्थिति है। आज भी वो वाणी, वो शब्द गूंज रहे हैं। साथियों, बिहार विधानसभा भवन का ये शताब्दी उत्सव एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विधानसभा भवन के 100 साल और देश की आजादी के 75 साल, ये केवल समय का संयोग नहीं है, इस संयोग का साझा अतीत भी है और सार्थक संदेश भी है। एक और, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए तो वही इस धरती ने भारत को लोकतंत्र के संस्कार और आदर्श पर चलने का रास्ता भी दिखाया। दशकों से हम ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतंत्र, विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है, और हमारे लोग भी कभी कभी ये बातें बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो व्रणताम, त्वाम विशो व्रणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंचदेवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें, ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों, विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। एक विचार के रूप में हमारे यहां
लोकतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है क्योंकि भारत लोकतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है। भारत सह अस्तित्व और सौहार्द के विचार में भरोसा करता है। हम सब में भरोसा करते हैं, सहकार में भरोसा करते हैं, सामंजस्य में भरोसा करते हैं और समाज की संगठित शक्ति में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने हमें यह भी मंत्र दिया है, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासि जानताम, अर्थात हम मिलकर चले, मिलकर बोले, वो एक दूसरे के मनों को, एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे। इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशम, अर्थात हम मिलकर समान विचार करें, हमारी समितियां, हमारी सभाएं और सदन कल्याण भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे हृदय भी समान हो। हृदय से लोकतंत्र को स्वीकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट्र के रूप में भारत ही प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए मैं जब भी दुनिया में अलग अलग जब देशों में जाता हूं, बड़े वैश्विक मंचों पर मौजूद होता हूं, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं क्योंकि हमारे कान में किसी न किसी कारण से एक शब्द भर दिया गया है। हमारी मन की रचना को एक जगह पे स्थगित कर दिया गया है। हमें बार बार सुनाया गया है कि वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हम भी उसी को स्वीकार कर लिया है बार बार सुनने के कारण। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमने भी, और बिहार वासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और बिहार की गौरवशाली विरासत, पाली में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज भी इसके जीवंत प्रमाण है। बिहार के इस वैभव को न कोई मिटा सकता है, न कोई छिपा सकता है। इस ऐतिहासिक इमारत ने बिहार की इस लोकतांत्रिक विरासत को 100 वर्ष तक मजबूत किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इमारत भी हम सभी के नमन की हकदार है। साथियों, इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखंड में भी अपने जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त नहीं होने दिया। इसके निर्माण के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है वो हमें बार बार याद करना चाहिए। किस तरह श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री बाबू ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि वो सरकार तभी बनाएंगे जब ब्रिटिश हुकूमत निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगा। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बिना देश को झोंकने के खिलाफ श्री बाबूजी ने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया था।
और बिहार का हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस घटनाक्रम ने सदैव इस संदेश का संचार किया कि बिहार लोकतंत्र के खिलाफ कभी कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। और भाइयों और बहनों, हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अड़ी, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस चाहे दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। बिहार जितना सशक्त होगा, भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के 100 वर्ष का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण का भी संदेश लेकर आया है। हम अपने लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही मजबूती हमारी आजादी को मिलेगी, हमारे अधिकारों को मिलेगी। आज 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। नई जरूरतों के हिसाब से भारत के लोगों की, हमारे युवाओं की आशाएं अपेक्षाएं भी बढ़ रही है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इसके हिसाब से तेज गति से कार्य करना पड़ेगा। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं, पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है। और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भी खुद को आगे बढ़ाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज देश इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देख रहा है। मैं अगर संसद की बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों में संसद में सांसदों की उपस्थिति और संसद की प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और अभी विजय जी ने भी विधानसभा का ब्यौरा दिया, सकारात्मकता, गतिशीलता, व्यापक रूप से विषयों की चर्चा, निर्णय,
उसका पूरा ब्यौरा दिया। साथियों, वैसे संसद में भी पिछले बजट सत्र में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 129% थी, 129% थी। राज्यसभा में भी 99% प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई, यानी देश लगातार नए संकल्पों पर काम कर रहा है, लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जिन्हें चुनकर भेजा है वो मेहनत कर रहा है, सदन में उनकी बात गंभीरता से रख रहा है, तो उनका भी लोकतंत्र पर विश्वास और बढ़ता है। ये विश्वास बढ़ाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, समय के साथ हमें नए विचारों की जरूरत होती है, नई सोच की जरूरत होती है। इसलिए जैसे जैसे लोक बदलता है, लोकतंत्र को भी नए आयाम जोड़ते रहना पड़ता है। इन बदलावों के लिए हमें केवल नई नीतियों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी नीतियां और पुराने कानूनों को भी समय के अनुसार बदलना पड़ता है। बीते वर्षों में संसद ने ऐसे करीब 1500 कानूनों को खत्म किया है। इन कानूनों से सामान्य मानवी को जो दिक्कतें होती थी, देश की प्रगति में जो रुकावटें होती थी, उनका समाधान हुआ और एक नया विश्वास भी पैदा हुआ। राज्य स्तर पर भी ऐसे कई पुराने कानून हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। हमें मिलकर इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, दुनिया के लिए 21वीं सदी भारत की सदी है। हम लगातार ये सुनते आए हैं, कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, दुनिया के लोग बताते रहते हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए ये सदी कर्तव्यों की सदी है। हमें इसी सदी में अगले 25 सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है। इन लक्ष्यों तक हमें हमारे कर्तव्य ही लेकर जाएंगे। इसलिए ये 25 साल देश के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के साल है। ये 25 साल कर्तव्य भावना से स्वयं को समर्पित करने का कालखंड है। हमें स्वयं को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य की कसौटी पर कसना होगा। हमें कर्तव्य की पराकाष्ठा को पार करना होगा। आज भारत वैश्विक पटल पर जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आज भारत जिस तेजी से वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है, उसके पीछे कोटि कोटि भारतवासियों की कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य भावना है। लोकतंत्र में हमारे सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा हमारे सदनों और जनप्रतिनिधियों के आचरण में भी झलकनी चाहिए। हम सदन में जैसा आचरण करेंगे, कर्तव्य भाव पर सदन के भीतर जितना बल दिया जाएगा, देशवासियों को भी उतनी ही ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों से अलग नहीं मानना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे, हमारे अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा। हमारी कर्तव्य निष्ठा ही
हमारे अधिकारों की गारंटी है। इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को कर्तव्य पालन का भी संकल्प दोहराना है। ये संकल्प ही हमारी और हमारे समाज की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज जब हम देश के अमृत संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्य में, अपने श्रम में, अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़नी है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जीवन आसान बने, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर किसी को हर जरूरी सुविधा मिले, ये हम सभी का संकल्प होना चाहिए। आज सबको घर, सबको पानी, सबको बिजली, सबको इलाज जैसे जिन लक्ष्यों को लेकर देश काम कर रहा है, वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिहार जैसे सामर्थ्यवान और ऊर्जावान राज्य में गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं का उत्थान बिहार को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। और बिहार जब आगे बढ़ेगा तो भारत भी अपने स्वर्णिम अतीत को दोहराते हुए विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सब ने मुझे निमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का अवसर दिया। इसके लिए मैं राज्य सरकार का, स्पीकर महोदय का और सभी यहां के वरिष्ठ जनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ इस 100 साल की यात्रा आने वाले 100 साल के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।